Now, miscellaneous exercise 10, solution number 1, find the value of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is if parallel to the x-axis, parallel to the y-axis and passing through the origin. यदि हमारी लाइन x से पास कर रही है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, y से पास कर रही है y एक्सिस से तो k की वैल्यू निकालनी है और ओरिजिन से पास कर रही है तो k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस फोर माइनस के स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल एम इज इक्वल टू के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर माइनस के स्क्वायर ए पार्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जो स्लोप है स्लोप m इज इक्वल टू जीरो, कैसे वो इसके पैरेलल है तो एंगल कितना हो गया जीरो हो गया तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी हो जाएगी जीरो। यहां से हो जाएगा k माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स k माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स k इज इक्वल टू थ्री। यदि हमें इस लाइन को x एक्सिस के पैरेलल बनाना है तो k की वैल्यू हम यहां पर जीरो सॉरी थ्री पुट कर देंगे इसमें। पैरेलल टू वाई एक्सिस, यदि हमारी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, देन क्या हो जाएगा स्लोप जो है क्या हो जाएगा वन बाई स्लोप वन बाई एम इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि रेसिप्रोकल वन अपॉन के माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फोर माइनस के स्क्वायर अपॉन के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहां से 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। यदि के की वैल्यू प्लस की 2 रख दें या माइनस की 2 तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड केस में क्या आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन मीन्स जीरो जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दें यहां पर माइनस जीरो प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर कर लेंगे माइनस के माइनस सिक्स के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, के माइनस वन माइनस सिक्स कॉमन ले लेंगे के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, के माइनस वन के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स के इज इक्वल टू वन और सिक्स। यदि इस इक्वेशन को हमें x के पैरेलल करना है तो k इज इक्वल टू थ्री रख देंगे, y के पैरेलल करना है तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रख देंगे, और यदि हमें ओरिजिन से पास करना है तो k की वैल्यू या तो वन पुट कर देंगे या सिक्स। प्लीज मेक इट आउट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी If the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of the line root 3x plus y plus 2. Line की equation क्या है? Root 3x plus y plus 2 की जो normal form है वो x cos theta plus y sin theta is equal to p है. तो हमें यहां पर p की और थीटा की वैल्यू बतानी है। नाउ क्या लेंगे हम रूट थ्री एच प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू ले लेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर देंगे, माइनस रूट थ्री एच प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू टू,
पूरी इक्वेशन को अब हम डिवाइड करेंगे बाय स्क्वायर रूट ऑफ रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस और माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू टू, टू से डिवाइड कर देंगे इसे, माइनस रूट थ्री अपॉन टू एक्स माइनस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू वन। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से कंपैरिजन करें तो यदि कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के वन बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोस थर्टी डिग्री, कोस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस वन एट्टी प्लस थीटा थर्टी डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस टू हंड्रेड टेन। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 210 यानी कि 7 पाई बाय 6, तो थीटा की वैल्यू आ गई 7 पाई बाय 6 और परपेंडिकुलर पी इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट नोट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड माइनस 4 रेस्पेक्टिवली। देखिए इसमें जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या होता है ए एंड बी, तो इन दोनों का जो सम दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया है 1 और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर हम देखेंगे जिनका सम 1 हो और प्रोडक्ट माइनस 4, तो फिर उसे सॉल्व करके हम x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 में से रख के सॉल्व करेंगे। सो प्लीज डी आई डू इट्स प्रैक्टिस। व्हाट आर द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 y1 मान लिए रूट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4, हम क्या करेंगे 0 y से इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे और 4 ले लेंगे, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका पॉइंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डी आई पी डू इट प्रैक्टिस प्लीज मेक ए नोट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi। दो पॉइंट दिए हुए हैं P, cos theta sin theta और Q is equal to cos phi sin phi। तो हमें पहले तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो required इक्वेशन क्या हो जाएगी, required इक्वेशन ऑफ लाइन जो PQ से पास हो रही है, y माइनस y1 sin theta इज इक्वल टू sin phi माइनस sin theta डिवाइडेड बाई cos phi माइनस cos theta x माइनस cos theta क्रॉस मल्टीप्लीकेशन cos phi माइनस cos theta इंटू वाई माइनस साइन थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन फाई कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, इसको हम इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कोस फाई माइनस कोस थीटा और इसको इधर ले जाएं
तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साइन फाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये माइनस में है, साइन थीटा कोस फाई एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कोस फाई माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन थीटा माइनस फाई, साइन थीटा माइनस फाई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जीरो जीरो तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो, ये हमारा इधर ये इक्वेशन इधर गई, इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगी प्लस साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस फाई माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अंडर रूट में साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन फाइव साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर थीटा और माइनस टू कोस फाइव कोस थीटा। देखिए ये दोनों वन हो जाएंगे, ये दोनों वन हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू माइनस टू कॉमन ले दिया, ये हो जाएगा कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव का अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कोस थीटा माइनस फाइव, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। तो इसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर सिक्स, find the equation of the line parallel to y-axis, parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the lines this and this, इन दोनों का intersection point निकाल लेंगे हम elimination method से solve कर लेंगे। उसने कहा parallel to y-axis, तो parallel to y-axis का मतलब क्या हो जाएगा कि जो x जो coordinate में x का जो point आएगा that is your answer, so please do it practice।
Find the equation, solution number 7. Find the equation of a line drawn perpendicular to the line this. Through the point where it meets the y-axis. इस इक्वेशन का हम स्लोप निकाल लेंगे और वो मीट कहां कर रहा है y एक्सिस पर मीट कर रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0 y फिर हम उसकी इक्वेशन निकाल देंगे सो प्लीज दिस इज आल्सो dip फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एक लाइन आपकी ये हो जाएगी एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी पहली और दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे एक पॉइंट हो जाएगा दूसरी और तीसरी का इंटरसेक्शन पॉइंट दूसरा पॉइंट पहली और तीसरी का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरा पॉइंट ये एक लाइन ये होगी दूसरी ये तीसरी ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे सो दिस इज ऑल्सो डी आई सेम यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 9 में फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइंस दिस दिस एंड दिस मे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट हम क्या करेंगे यहां पर पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे एक्चुअल वाई की वैल्यू निकल गई और उसे जो है हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर मिलती है तो जब पहली और दूसरी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्चुअल वाई की वैल्यू यहां पर पुट करके हम उसे सॉल्व कर देंगे पी की वैल्यू निकल जाएगी सेम एज सॉल्यूशन नंबर 10 बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 10 है इसमें भी आपकी तीन इक्वेशन दी हुई है और उन ये तीनों आपकी कॉन्करेंट लाइन है तो पहली और दूसरी इक्वेशन से या पहली और तीसरी इक्वेशन से या पहले सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम एलिमिनेशन मेथड से उसके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और वो इक्वेशन नंबर रिमेनिंग इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा या फिर हम क्या करेंगे कि उनका जो है सॉल्यूशन नंबर 10 में उन तीनों इक्वेशन का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे और उसमें पुट कर देंगे पुट करके आपका आंसर आएगा सो प्लीज मेक इट नोट नाउ सॉल्यूशन नंबर 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 that has equal intercept on the axis. That's अच्छी चीज जो equal intercept बनाती है और इनके intersection point से पास होती है तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व कर लेंगे तो हम कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 4x minus 6y plus 2 is equal to 0 दूसरी इक्वेशन है 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 minus minus और ये प्लस हो जाएगा this is cancel 13y plus 5 is equal to 0 that means y is equal to 5 upon 13 again अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दे तो कितना आ जाएगा 4x plus 7 into 5 by 13 is equal to 3 तो 4x is equal to 3 minus 35 upon 13 39 minus 35 upon 13 is equal to 4 upon 13 तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 upon 13 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई 13 और 5 बाई 13 अब इसने बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1 तो क्या लिख देंगे यहां से x plus y is equal to a और ये पास कहां से कर रही है 8
passes through. कौन से पास कर रही है? 1 upon 13 और 5 upon 13. तो कितना आ जाएगा? 1 upon 13 plus 5 upon 13 is equal to A. That means A is equal to 6 upon 13. इसे हम equation 1 में जो है A की value put कर देंगे. इस वाली equation में. Equation number जो भी हमारी required equation है. तो यहां से हो जाएगी X plus Y is equal to 6 upon 13. तो 13X plus 13y is equal to 6. That is your answer. Please make a note. Now, solution number 13. So that the equation of line passing through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c के साथ में वो theta angle बनाती है is y upon h is equal to m plus minus 1 tan theta upon 1 minus plus m tan theta. Now, जो equation है, given equation क्या है? Given equation है y is equal to mx plus c. Let m1 be the slope of required equation. Equation क्या होगी? Y minus y1 m1 x minus 0. So y is equal to m1 x which passes through 0, 0 से जो pass करती है. अब ये जो है इस वाली इक्वेशन के साथ में एंगल थीटा का तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m. बिल्कुल इसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू एक बार प्लस और माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m. एक बार हम यहां पर पहले प्लस लेकर चले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से tan थीटा प्लस m1 m इज इक्वल टू m1 माइनस m. इसको इधर ले आएंगे m प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m1 m. तो यहां पर हम m1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये आ जाएगा tan थीटा. यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा m1 tan थीटा. इसकी मल्टीप्लाई 1 में की इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे m1 m tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m. इसको इधर ले आएंगे हम और इसको इधर ले जाएंगे. अब हम यहां पर क्या करेंगे m1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m plus tan थीटा इज इक्वल टू m1 कॉमन लिया तो 1 माइनस m tan थीटा. तो यहां से m1 की वैल्यू आ जाएगी m plus tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m tan थीटा. ये पहली कंडीशन में m1 की वैल्यू फाइंड होगी. अब इफ क्या लें tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एक बार हमने यहां पर प्लस लिया था अब के लेंगे माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m. माइनस की अंदर मल्टीप्लाई m1 प्लस m अपॉन 1 प्लस m1 m. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan थीटा प्लस m1 m tan थीटा इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m. इसको इधर ले जाए इसको इधर तो ये हो जाएगा m1 m tan थीटा प्लस m1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा. यहां से हमने m1 कॉमन लिया
तो कितना आ जाएगा 1 प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। तो यहां से m 1 की वैल्यू m माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m tan थीटा। ध्यान दीजिए यहां पर क्या दिया हुआ है। देखो यहां पर देखिए m 1 की वैल्यू है m प्लस tan थीटा m माइनस tan थीटा, 1 माइनस m tan थीटा और 1 प्लस m tan थीटा। तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं, m 1 इज इक्वल टू m प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m tan थीटा। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसे उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 y अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया m1, y अपॉन x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा। हेंस प्रूफ प्लीज मेक इट आउट।